हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो आज की जो वीडियो होने वाली है, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या मटेरियल लेके जाना चाहिए जब आप एंट्रेंस एग्जाम देने जाओगे जेईई मेन पेपर 2 का। बेसिकली ये वीडियो बीआर के लिए थोड़ा डिटेल में है, क्योंकि बीआर के बच्चों को थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें लेके जानी पड़ती है अकॉर्डिंग टू बीटेक के जो बच्चे होते हैं उनके अकॉर्डिंग। जो हमें बीआर के बच्चों को कुछ ज्यादा चीजें लेके जानी पड़ती है, सेंटर में हमें कुछ ज्यादा चीजें अलाउ होती है, तो उसी के बारे में डिटेल से बताऊंगा कि बेसिकली सेंटर पे आपको क्या क्या चीजें ले जानी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर उसमें से कोई चीज अगर आपके पास नहीं है तो आप अभी से इंतजाम कर लो, जिससे कि आगे जो हमारे पास 28th को हमारा पेपर है तो हमारे पास 7 दिन बच रहा है, इन 7 दिनों में वो सारी चीजें हमारे पास आ जानी चाहिए। सबसे पहला जो हमारे पास होना चाहिए वो हमारे पास हमारे जेईई मेन पेपर 2 का एडमिट कार्ड होना चाहिए। जो भी आप एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे आप बीटेक की देने जा रहे हो या बीआर की देने जा रहे हो, तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज होनी चाहिए वो हमारे पास जेईई मेन का एडमिट कार्ड होना चाहिए। उसमें आप डेट ऑफ बर्थ वगैरह चेक कर लेना, ठीक है, अगर वो वेरीफाई करते हैं विथ योर आईडी प्रूफ तो एक बार चेक कर लेना, वो सारी चीजें आपकी सही होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास एक आईडी प्रूफ होनी चाहिए जो हमारे आइडेंटिटी को प्रूफ कर पाए, जिसमें आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। या तो आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पोस्ट ऑफिस, आपके पासपोर्ट्स होने चाहिए, वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, जो गवर्नमेंट की तरफ से वैलिड आईडी प्रूफ्स रहते हैं वो आपके पास होने चाहिए, जो आपका दूसरा चीज है। सबसे पहले हमारे पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, दूसरा हमारे पास आईडी प्रूफ होना चाहिए। अगर कोई बच्चा पीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यूडी बेसिकली उन बच्चों का होता है जो फिजिकली डिसेबल पर्सन रहते हैं, और उनकी क्राइटेरिया मतलब उनकी कैटेगरी जो होती है वो अलग होती है, तो वो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी पीडब्ल्यूडी के बच्चे हैं, जो भी उनके डिसेबिलिटीज की सर्टिफिकेट है वो भी अपने साथ लेकर के जाए, वो बच्चे जो पीडब्ल्यूडी से अपना फॉर्म भरे, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से भरे। और दूसरा एक चीज नया आया है आफ्टर COVID-19 कि आपको एक अंडरटेकिंग टेकन फील करके वहां पे रखना पड़ेगा, जो कि आपके एडमिट कार्ड में फर्स्ट पेज में या फिर सेकंड पेज में एक अंडरटेकिंग का फॉर्म होगा, उसको आपको कंप्लीट करना है और ले जाकर के वहां पे सबमिट करना है। बेसिकली उसमें ये कहा लिखा हुआ रहता है कि हाँ मैं बीमार नहीं हूं, ना मैं कोई ऐसी जगह गया हूं जहां पे अभी COVID-19 का सिम्टम्स वगैरह आए हैं, या फिर वो एरिया जो है वो ग्रीन जोन में नहीं आता, रेड जोन में आता है, तो वो सारी चीजें लिख करके आपको एक अंडरटेकन फिल करना होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, ठीक है, वो आपको कंप्लीट करना है, वो आपके पेज नंबर 1 में गिवन होगा आपके एडमिट कार्ड में, तो वो भी आपको अपने साथ लेकर के चलना है। तो ये अंडरटेकिंग सारे बच्चों को लेके जाना है, और ये पीडब्ल्यूडी वाले कैटेगरी जो है उनके लिए पीडब्ल्यूडी की सर्टिफिकेट उनको लेके जानी है, जो भी उनकी पीडब्ल्यूडी के डिसेबिलिटीज है वो उन्हें शो करनी पड़ेंगी। ठीक है, अ सिंपल ट्रांसपेरेंट वॉल पेन, आपको एक ट्रांसपेरेंट वॉल पेन लेकर के जाना है, वॉल पॉइंट पेन जो आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है, सारे बच्चे लेकर के जाएंगे। बीआर के बच्चों को बेसिकली क्या लेके जाना चाहिए, बीआर के बच्चों को ऑन ज्योमेट्री बॉक्स, ठीक है, जो आपको अपना ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि क्या भैया मैं स्केल लेके जा सकता हूं, तो हाँ आप स्केल लेके जा सकते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स में आपके स्केल और इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, जो ज्योमेट्री बॉक्स में रहते हैं। अब आप खुद से ड्राइंग वाला टेम्पलेट उठा के मत लेके चले जाना, ठीक है, आप बेसिक एक स्केल वगैरह लेकर के जा सकते हो पेपर में, ठीक है, और पेंसिल, इरेजर, शार्पनर वगैरह आप लेके जा सकते हो फॉर ड्राइंग, ठीक है, और हाँ कलर पेंसिल और क्रेयॉन्स ही सिर्फ कलर आप यूज कर सकते हो, वहां पे आप वाटर कलर नहीं यूज कर सकते हो, ठीक है, तो वाटर कलर प्लीज मत लेके जाना। आप पेंसिल वाटर कलर जरूर लेके जा सकते हो, पेंसिल वाटर कलर आती है मार्केट में मिलती है, वो लेकर के जा सकते हो, उसका कॉस्ट थोड़ा ज्यादा पड़ता है लेकिन वो अच्छी होती है ड्राइंग के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके पास अगर वाटर पेंसिल कलर नहीं है तो प्लीज अगर आप बाई करना चाहते हो तो आप उसे बाई कर लो, ठीक है। वाटर कलर पेंसिल से क्या होगा कि आपकी ड्रॉइंग्स थोड़ी अच्छी बनेगी और आपका जो पेंट जब आप कलर करोगे तो वो ज्यादा निखर के आता है, ठीक है, तो वाटर कलर पेंसिल का आप यूज कर सकते हो, बाकी कलर पेंसिल का यूज करना है आपको, आपको वाटर कलर का यूज नहीं करना, वहां पे आपको कोई पानी वानी नहीं देने वाला, ठीक है। अगर मैं क्रेयॉन्स की बात करूं तो क्रेयॉन्स भी आप यूज कर सकते हो, तो दो टाइप के आप कलर यूज कर सकते हो, बाकी आप ज्योमेट्री बॉक्स में
पेंसिल और इरेजर वगैरह खुद लेकर के जाना, वहां आपको कोई देने वाला नहीं है। एडिशनल एक फोटोग्राफ भी आपको लेके जाना पड़ेगा, जो सेम आपने सेम एडिशनल फोटोग्राफ जो आपने जेई मेन के एडमिट कार्ड में दे रखा है या फिर जेई मेन के रजिस्ट्रेशन के टाइम में दे रखा, सेम वही एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। क्यों लेके जाना है मैं बता देता हूं, इसलिए लेके जाना है क्योंकि जब आपका अटेंडेंस वहां पे बनेगा तो अटेंडेंस सीट पे आपकी एक फोटो लगेगी, तो आप एक फोटो जरूर लेके जाना सेम। अगर मैं बोलूं तो पर्सनल सैनिटाइजर अगर आपको लेके जाना है तो लेके जा सकते हैं, और वाटर बोतल भी लेके जाना है तो वो आपका ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो अभी आपके एडमिट कार्ड जब रिलीज होगा तो ये सारे पॉइंट्स उसमें लिखे होंगे, एक बार वेरीफाई कर लेना। मैं 3-4 साल से फॉलो कर रहा हूं पेपर को, तो मुझे पता है कि इन सारी चीजों को की रिक्वायरमेंट्स आपको आपको होने वाली है, ठीक है। बाकी और भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं चैनल पे आपको सब कुछ डाल करके अपडेट कर दूंगा, ठीक है। इसके लिए आप टेंशन मत लो, और अगर कोई भी इशू हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन करने का प्रोसेस भी मैं भी इस वीडियो में डाल दूंगा। दूसरा ये है कि आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि भैया नाटा का क्रैश कोर्स कब अवेलेबल होगा, तो नाटा का क्रैश कोर्स अब अवेलेबल हो चुका है, नई बैच हमारी फॉर्म होने लगी है। जो नई बैच स्टार्ट होने वाली है वो 1st February 2023 से हमारा नया बैच स्टार्ट हो जाएगा, तो जिन बच्चों को इनरोल करना है इनरोल कर सकते हैं। 2 टाइप के कोर्स है, ये अनलिमिटेड डेज के लिए है, अनलिमिटेड डेज तब तक है जब तक आपका नाटा का फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हो जाता, फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाएगा उसके बाद ये कोर्स आपका ओवर हो जाएगा, जब तक नहीं होता तब तक ये आपके कंटिन्यू चलते रहेंगे। जो फी स्ट्रक्चर है आपके वो फी स्ट्रक्चर है 2949, 2 टाइप के फी स्ट्रक्चर है, एक तो आप विथ स्टडी मटेरियल ले सकते हो, एक आप विदाउट स्टडी मटेरियल ले सकते हो। विदाउट स्टडी मटेरियल का जो कॉस्ट है वो 2949 रुपीज, और विथ स्टडी मटेरियल का जो कॉस्ट होने वाला है आपका वो 3849 रुपीज होने वाला है, ठीक है। तो फटाफट गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इनरोल नाउ की वहां पे जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, हमारे टीम मेंबर्स तुरंत आपसे कंसल्ट करेंगे, पेमेंट प्रोसेस वगैरह आपको वहीं पे बता दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन बजा के रखना, आगे जो भी अपडेट्स होगी आपको मेरे चैनल पे सबसे पहले मिलती रहेगी। जैसा कि आप लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि भैया आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक वर्क नहीं कर रहा या फिर आपके टेलीग्राम चैनल को कैसे ज्वाइन करें, तो आप मेरे किसी भी वीडियो को ओपन कर सकते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक करके आप डायरेक्ट भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच सकते हैं। अगर किसी भाई का लिंक ओपन नहीं हो पा रहा है तो उनको क्या करना है, उनको यहां से जाकर के लिंक्स कॉपी करनी है, ठीक है। जैसे ही आप लिंक्स कॉपी करोगे यहां पे जाकर के आप लिंक पूरा कॉपी कर लेना, टेलीग्राम चैनल पूरा, ठीक है, और आपको चले आना है आपके सेव्ड मैसेज में, ठीक है। आप सर्च करके भी सेव मैसेज ले आ सकते हो, सेव मैसेज जैसे ही आप सर्च करोगे सेव मैसेज आपका आ जाएगा, ठीक है। सेव मैसेज पे आपको क्लिक करना है, जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको हमारा चैनल का लिंक खुल जाएगा, फटाफट आप चैनल पे आकर के चैनल ज्वाइन कर लोगे, और हमारे पास एक छोटा सा ग्रुप है, अगर आप वो भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो।